हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम रोटेशनल डायनामिक्स या न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम दो पार्ट्स देख चुके हैं, आज हम इसका थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है जो बुक के अंदर 20 नंबर दिया हुआ है। क्या है वो? अ बिग डम्बेल is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram and length 20 centimeter. यहाँ पर एक डम्बेल बनाया गया है जिसका मास, जिसके अंदर जो रॉड यूज़ हुआ है वो रॉड का मास कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, मास ऑफ रॉड MR equals to 60 ग्राम। देन द लेंथ ऑफ, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी दी हुई है, L equals to 20 सेंटीमीटर। टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ऑफ मास 50 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच आर एट द टू एंड्स ऑफ द रॉड। अब यहाँ पर मास ऑफ स्फीयर, हम उसे MS कहेंगे, मास ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है, ईच स्फीयर कितना है, 50 ग्राम हुआ। फिर उसके बाद रेडियस, रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, R इज 10 सेंटीमीटर। ओके, मतलब यहाँ पर सिस्टम कैसी तैयार होगी। यहाँ पर एक रॉड होगा, ये रॉड की लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगा। ओके, इसका मास दिया हुआ है 60 ग्राम। यहाँ पर क्या किया, इसके एंड पर दो स्पीयर अटैच किए। ओके, ये जो दो स्पीयर है उसका मास कितना है, 50 ग्राम, इसका भी मास किया 50 ग्राम और इसका भी मास है 50 ग्राम। इसकी रेडियस दी हुई, रेडियस कितनी है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डम्बेल व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। मतलब इसे रोटेट कैसा करना है, एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, इसे ऐसे रोटेट करना है। मतलब ये जो स्फीयर्स होंगे, ये स्फीयर्स ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट होंगे। ओके, तो इस केस के अंदर हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके, फर्स्ट थिंग इसके अंदर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड ये पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ रॉड, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें क्या ऐड करना होगा हमें, सिर्फ रॉड नहीं है, रॉड को और क्या अटैच किया हुआ है, ये जो दो स्पीयर्स है वो अटैच किए हुए हैं। तो स्पीयर्स की जगह हम यहाँ पर इसे दो पार्टिकल्स कंसीडर कर सकते हैं, ये होगा पार्टिकल M1, ये होगा पार्टिकल M2। तो इस केस के अंदर यहाँ पर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस इसमें इसका क्या होगा, M2 R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। ओके, फर्स्ट थिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड व्हेन इट इज़ रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कितना होता है, ML² / 12, ये हो गई इसकी वैल्यू, प्लस ये दोनों एज इट इज़ पुट कर लेंगे आप यहाँ तक, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, M मास ऑफ रॉड कितना है, 60 ग्राम, CGS सिस्टम है सब, इसलिए हम डायरेक्टली 60 ले लेंगे, इनटू L स्क्वायर, L कितना दिया हुआ है, 20, मतलब 20 टू टाइम्स आएगा, 20 × 20 डिवाइडेड बाय 12, इनटू M1 R1 स्क्वायर क्या आएगा, M1 वैल्यू कितनी है, मास कितना है उसका, मास इज 50 ग्राम, 50 इनटू R स्क्वायर, R मीन्स सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा 10, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा 10, मीन्स द टोटल डिस्टेंस विल बी 20 स्क्वायर है, इसलिए हम टू टाइम्स ले लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, प्लस यहाँ पर और सेकंड का मास कितना दिया हुआ है, 50, फिर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 + 10 = 20 स्क्वायर, देयरफॉर 20 × 20। ओके, ये हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 5 × 20 कितना हो जाएगा, 100 × 20 2000 प्लस
यहाँ पर कितना होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 20,000, और फिर से यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा 20,000, मीन्स 20 + 20 = 40,000, 40,000 + 2,000 = 42,000, ये हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका यूनिट क्या आएगा, सीजीएस सिस्टम है इसलिए यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पर सेपरेटली पहले रॉड का फाइंड आउट कर लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद ये जो दो स्पीयर्स है उसे दो पार्टिकल्स कंसिडर करेंगे और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेपरेटली ऐड करेंगे तो हमें इस सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट नंबर 21। अब नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, अ फ्लाई व्हील यूज टू प्रिपेयर अर्थनवेयर पॉट्स इज सेट इन टू रोटेशन एट 100 RPM। यहाँ पर क्या है, एक फ्लाई व्हील लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मटके बनाने के लिए जो व्हील यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पर उसे रोटेट करते हैं, और यहाँ पर जो मिट्टी कीचड़ वगैरह होता है वो सेंटर में रखते हैं, फिर उसके बाद उससे मटके तैयार करते हैं, पॉट्स तैयार करते हैं, उस तरह की सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसे रोटेट किया गया, रोटेट करने के बाद उसका जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 RPM। ओके, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 0.4 meter। ये जो व्हील है, ये व्हील किसके फॉर्म में है, एक डिस्क के फॉर्म में है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, और उस डिस्क का मास कितना दिया हुआ है, m is 10 kg, एंड इट्स रेडियस ऑफ दैट डिस्क इज 0.4 meter। ओके, अ लंप ऑफ क्ले टू बी टेकन इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल ऑफ मास 1.6 kg फॉल्स ऑन इट एंड अडेयर्स टू इट एंड एट अ सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्ले मतलब कीचड़ का एक गोला यहाँ पर रख दिया हमने और वो चिपक गया। चिपकने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक इतने डिस्टेंस x इतने डिस्टेंस पर वो चिपक गया। चिपक जाने के बाद इसका मास दिया हुआ है, मास ऑफ दैट क्ले कितना दिया हुआ है, 1.6 kg, स्मॉल m से डिनोट करेंगे 1.6 kg। अब हमें कैलकुलेट x इफ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 RPM। अब यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टम के ऊपर यहाँ पर मास इंक्रीज हुआ, मास इंक्रीज हुआ तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज होकर कितनी हो गई, वो 80 RPM हो गई। पहले कितनी थी, n1 कितना था, 100 RPM, n2 कितना हो गया, सेकंड फ्रीक्वेंसी 80 RPM। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ से ये जो पार्टी ये जो कीचड़ का गोला यहाँ पर है तो इसका डिस्टेंस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, एक व्हील है, व्हील के ऊपर कीचड़ का गोला है, उस गोले का सेंटर से डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी एंड फाइनल फ्रीक्वेंसी दी हुई, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ़ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो देन द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, दैट इज़ अब यहाँ पर कोई भी दूसरा फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं क्या, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दैट इज़ I1 ω1 = फाइनल एंगुलर मोमेंटम I2 ω2। और हमें पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ω = 2πn, वेयर n इज़ द फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर फॉर फर्स्ट I1 एज इट इज़ लेंगे इनटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी, 2π (n1) = यहाँ पर I2 2π (n2). यहाँ पर 2π गेट्स कैंसिल, यहाँ हम ले सकते हैं I1 (n1) = I2 (n2). यहाँ पर I1 कितना लेंगे, I1 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, यहाँ पर एक डिस्क ली हुई है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम इसे सेंटर से रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 mr².
ठीक है, इन टू एन वन एज इट इज इक्वल्स टू। अब सेकंड केस के अंदर, अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ डिस्क का नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्ले का भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पहले इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा हाफ एम आर स्क्वायर प्लस। अब ये जो सेंटर से यहाँ तक है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या लेते हैं हम, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। तो यहाँ पर मास एक दिया हुआ है इसलिए हम स्मॉल एम से डिनोट किया है, एम ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, सेंटर से एक से, इसलिए एम एक्स स्क्वायर इन टू एन टू, ठीक है। यह हो गया उसका फॉर्मूला, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स का एक्स कितना है वो मिल जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में लेंगे तो हाफ एम, एम कितना है, कैपिटल एम इज द 10 kg इन टू आर स्क्वायर, आर कितना है 0.4 स्क्वायर, इसलिए हम दो बार ले लेंगे 0.4 × 0.4 × n1। n1 कितना है इनिशियली, n1 इज 100 इंटू 100 इक्वल्स टू राइट साइड में क्या आ जाएगा, फिर से यही टर्म्स कौन थे, हाफ m कितना है 10 kg, आर स्क्वायर मतलब 0.4 × 0.4 प्लस यहाँ पर क्या होगा, सेकंड मास कितना दिया हुआ है क्ले का 1.6 इंटू एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर n2 कितना दिया हुआ है 80, यहाँ पर आ जाएगा 80 × 80। यहाँ पर इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर गया 5 आया, यहाँ पर 5 × 0.4 दैट इज 2 × 0.4 दैट इज 0.8, 0.8 × 100 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। राइट साइड में भी इतनी टर्म का यहाँ तक की यहाँ का कितना आएगा, यहाँ पर 5 × 0.4 दैट इज 2 × 0.4 0.8 प्लस यहाँ पर 1.6 एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 80, 80 गेट्स कैंसल, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या रहेगा 0.8 प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ पर इधर आने के बाद सब्ट्रैक होगा, 1 − 0.8 दैट इज 0.2 इक्वल्स टू 1.6 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर 0.2 अपॉन 1.6 होगा, इसे हम कैसे ले सकते हैं, 2/16 दैट इज 1/8, 1/8 कितना होगा, यहाँ पर 0.125 एक्स स्क्वायर आया। तो इसके ऊपर से अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कितना आएगा, वो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 0.125 कितना आएगा वो 0.35, देयरफॉर एक्स विल बी 0.35 और यूनिट क्या आएगा मीटर में, ऐसा यूनिट है इसलिए 0.35 मीटर। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, सिंपल है, बस इसकी कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए, ओके। ये हो गया 21 और लास्ट है हमारा। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन अलोंग एन इंक्लाइन, यहाँ पर इंक्लिनेशन आया है, ओके, मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, उसका अब यहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ पर रेस्ट पर है एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ से वो रोल होने वाला है, बाद में क्या होता है, दैट राइजेस बाय 3 इन एवरी 5 अलोंग इट। अब ये जो यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या है, अब ये जो हाइट है, हाइट अगर यहाँ पर 3 होगी, 3 होगी, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का वो 5 होगा, समझ रहे हैं दोनों में रिलेशन, दैट राइजेस बाय 3 इन एवरी 5, यहाँ पर अगर हाइट 3 होगी तो ये कितना डिस्टेंस होगा 10 होगा, यहाँ पर हाइट 6 होगी तो ये डिस्टेंस कितना होगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 होगा तो ये 15 हो जाएगा, ये इस तरह का दोनों में रिलेशन दिया हुआ है, ओके। द ऑब्जेक्ट गेन्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड लिख लेंगे वी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एज इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5/3 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल 5/3 मीटर,
अब ये जो डिस्टेंस है s, वो कितना दिया हुआ है, 5/3। अलोंग द इंक्लाइन दिया हुआ है। व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका शेप कौन सा हो सकता है, ये स्पीयर होगा, रिंग होगा, डिस्क होगी, सिलेंडर होगा, कौन सा शेप होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला पता है, वी का फार्मूला, वी इक्वल्स टू स्पीड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 + k² / r। ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर एक टर्म दी हुई है, k² / r². ये जो टर्म होती है वो डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर रिंग लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ अगर हम स्पीयर लेंगे तो स्पीयर के लिए वो 2/5 है, ऐसे डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ होती हैं। ओके, तो अगर हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें शेप कौन सा है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स लगने वाली हमें, h, ये जो हाइट है वो h कितनी लेनी है, यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, अगर यहाँ पर h 3 होगा तो यहाँ पर इसका ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ पर 10 होगा, वो रिलेशन हम समझ चुके हैं। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस 5/3 होगा तो इससे हमें क्या करना होगा, h के लिए h इज इक्वल्स टू 5/3 को 3/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 in every 5, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हाइट कितनी आएंगी, 1 आएंगी। ओके, तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, v कितना दिया हुआ है, v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 ले लिए, राइट साइड में क्या आएगा, 2 × 10, जी की वैल्यू हाइट है 1, डिवाइडेड बाय 1 + k² / r² एज इट इज़। ओके, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट है इसलिए हम स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ क्या आएगा, 10 इक्वल्स टू यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 1 + k² / r². ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 ये टर्म डिवाइड है, इधर आने के बाद 1 + k² / r² इक्वल्स टू यहाँ पर सिर्फ 2 होगा। ओके, देयरफॉर k² / r² इज इक्वल्स टू 1, 2 - 1, 1। अब ये k² / r² की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर 1 आई, तो इसका मतलब ये जो शेप होगा, ये जो बॉडी है यहाँ पर, उसका शेप होगा वो या तो रिंग होगी, एक क्या होगी, रिंग होगी, या फिर यहाँ पर मैं एक सिलेंडर लूँ, हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर भी क्या होगा, एक टाइप से यहाँ पर एक रिंग की तरह यूज होगा, क्योंकि वो एक्सिस के अलोंग रोटेट होने रहा है, तो यहाँ पर रिंग होगी, यहाँ तो हॉलो सिलेंडर होगा। ओके, ये दोनों में से कौन सा भी शेप यहाँ पर पॉसिबल है, यह हो गया उसका आंसर, रिंग और हॉलो सिलेंडर। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स इन रोटेशनल डायनमिक्स। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स कम्प्लीट हो चुके हैं और चैप्टर भी आपका कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके।